हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आज की नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं मतलब आपको बताने वाला हूं कि हम वॉल्यूमेट्रिक जो एनालिसिस प्रैक्टिकल्स होते हैं, चाहे वो ऑक्जेलिक एसिड हो या मोहर सॉल्ट हो, उनको किस तरह से अपनी लैब मैनुअल में राइट करते हैं। तो आइए देखते ये हैं। आपका है क्लास 12th एक्सपेरिमेंट वॉल्यूमेट्रिक। ठीक, सबसे पहले इसमें आपको एम लिखना पड़ेगा। एम में लिखते समय जो बात आप ध्यान रखेंगे वो ये है कि यहाँ पर आपके टीचर ने आपको क्या दिया है। ठीक, अगर आपके टीचर ने यहाँ पर आपको अलग मोलरिटी दे रखी है, ठीक है, मान लीजिए आपको एम बाई 50 के बजाय जो मोस्टली टीचर देते हैं वो एम बाई 20 भी देते हैं, तो एम बाई 20 दिया है, चाहे एम बाई 30 दिया है, कुछ भी जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग आप इसको रख लेंगे। ठीक है, बाकी सेम रहेगा कि प्रिपेयर ए स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ जो भी मोलिटी दी है ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन, यूजिंग दिस सॉल्यूशन फाइंड आउट द मोलिटी एंड स्ट्रेंथ। क्या क्या फाइंड आउट करना है हमको? मोलिटी फाइंड आउट करनी है और साथ में स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, किसकी? के एम एन ओ फोर सॉल्यूशन की। तो ये आपका हुआ एम, जो आप सबसे पहले राइट करेंगे अपनी लैब मैनुअल में। एम के बाद नंबर आता है हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप का, कि नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में थ्योरी आती है। देखिए थ्योरी में क्या है आपका, थ्योरी में आप नोटिस करेंगे कि द रिएक्शन बिटवीन ऑक्जेलिक एसिड एंड के एम एन ओ फोर इज इन एसिडिक मीडियम, जो कि हम किससे प्रोवाइड कराते हैं, एच टू एस ओ फोर से प्रोवाइड कराते हैं, इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें दोनों होते हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है और आपका रिडक्शन भी होता है। ठीक, ऑक्जेलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, के एम एन ओ फोर इन एसिडिक मीडियम इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक ऑक्सीडाइजिंग है, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पर आपकी रिडक्स रिएक्शन होती है। ये आपका थ्योरी का पार्ट है जिसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका रिएक्शन की, मॉलिकुलर रिएक्शन किस तरह की आपकी होती है आप देख सकते हैं। ये आपकी मॉलिकुलर रिएक्शन है। ठीक, इसमें जो है आपके 2 मोल्स के एम एन ओ फोर है और आपके 5 मोल्स जो है वो एच टू एस ओ फोर है, वो सॉरी ऑक्जेलिक एसिड के हैं। तो यहाँ से क्लियर है कि 2 मोल्स जो है वो 5 मोल्स को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। रिएक्शंस आपकी लैब मैनुअल वगैरह में गिवन है, नहीं भी गिवन है तो मैंने अपने टेलीग्राम पर इसकी पूरी पीपीटी को शेयर कर दिया है। दिव्या कैम आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे और वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी मिल जाएंगी। तो ये आपकी रिएक्शन है मॉलिकुलर रिएक्शन, इसको पूरा याद करके आप लोगों को रखना है। ठीक, मॉलिकुलर रिएक्शन के बाद जो पार्ट हमारा आता है वो आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, ये रहा आपका रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट्स आप जानते ही हैं, हमें ब्यूरेट की है, 20 ml का पिपेट भी चाहिए, टाइट्रेशन फ्लास्क चाहिए, ब्यूरेट स्टैंड चाहिए, वॉच ग्लास, वेट बॉक्स, केमिकल बैलेंस और 250 ml मेजरिंग फ्लास्क, इसकी हमको बहुत नीड है। मैंने लास्ट टाइम प्रैक्टिकल में भी आपको बताया था कि कई बार बच्चे 250 ml किससे कर लेते हैं, बीकर से कर लेते हैं, वहाँ पर आपकी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आएगी, वो आपको मेजरिंग फ्लास्क से ही करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स के बाद आपका क्या है, प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर में पहला है कि प्रिपेयर 250 ml ऑफ एम बाई 40 ऑक्जेलिक एसिड, ये आप जानते ही है, तो मैंने आपको प्रैक्टिकल में भी सिखाया है पूरा पार्ट प्रोसीजर का, 1 by 1 यू कैन सी एंड नोट डाउन इन योर लैब मैनुअल। तो सारे हैं, साफ करना उसको पूरा, टोटल ये पूरा जो है आपका प्रोसीजर है जिसको आप नोट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रोसीजर अगर कुछ टीचर मना भी कर देते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर जगह प्रोसीजर लिखना ही पड़े, लेकिन अगर प्रोसीजर लिख लेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग कुछ थोड़ा ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब आता है ऑब्जर्वेशन, जो कि बहुत मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस ऑब्जर्वेशन में आपका सबसे पहले आएगा, क्योंकि आपने क्या है वेइंग बैलेंस पर वॉच ग्लास को रखना है, तो ये लगभग जैसे एक अप्रॉक्स आइडिया ले लेता हूँ, 15.26 या 14 पॉइंट समथिंग जो भी आपका आता है उसको आप यहाँ पर राइट कर देंगे। उसको राइट करने के बाद आपका दूसरा आता है कि वेट ऑफ वॉच ग्लास प्लस ऑक्जेलिक एसिड। आपको याद है कि हमको जो ऑक्जेलिक एसिड लेना है वो लेना है 0.63, तो जितना भी वॉच ग्लास का वेट आएगा, मान लीजिए वॉच ग्लास का वेट अभी मैंने लिखा जैसे 15.28 प्लस, ये दोनों करके आप यहाँ लिख देंगे कि इतना आया है।
इसको लिखने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है ये कि वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड वो आ जाएगा 0.63 ग्राम, उसमें से टोटल में से आप वॉच ग्लास का वेट माइनस कर दीजिए तो आपको ये मिल जाता है। नेक्स्ट आपका स्टेप आता है वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाई 250 ml, ठीक है। कहीं कहीं पर टीचर इसको चेंज भी कर देते हैं, कुछ 100 ml में बनवा लेते हैं, तो आप 100 कर दीजिएगा, उसमें फाइट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हर टीचर का अलग अलग पैटर्न होता है कराने का, प्रैक्टिकल सभी के एक ही हैं। मोलेटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड ऑफ सॉल्यूशन m/50 हमने ली है, ये हम जानते ही हैं, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन टेकन इन द टाइट्रेशन फ्लास्क इज 20 ml, जो हम टाइट्रेशन फ्लास्क में लेते हैं ना वो कितना लेते हैं, 20 ml, हमने आपको उस दिन लास्ट एक्सपेरिमेंट में दिखाया भी था, अगर आपने नहीं देखा तो पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका नंबर आता है कि अब क्या करें, उसके बाद आती है टेबल जिसको आपको फिल करना है। देखिए टेबल फिल करने में भी मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, टीचर दो तरीके से आपको बताएंगे, उन दोनों तरीके में से आप देख लेंगे। जैसे इनिशियल रीडिंग हमारी जीरो रहेगी, मान लीजिए उस दिन तो मेरा 60 ml यूज़ हुआ था, तो सेकेंड रीडिंग 60 ml हो गई, तो 60 - 0 यानी ओवरऑल कितनी ml हो गई, 16 ml हमारी हो गई, ठीक है। अब सेकेंड रीडिंग आप इनिशियल 16 ml लेंगे, अब यहाँ मान लीजिए आपका कितना आ गया, 32 ml आ गया, तो नेक्स्ट रीडिंग भी आपकी क्या हो गई, 32 - 16 = 16 ml, ठीक। दो रीडिंग एक जैसी आएंगी, थोड़ा बहुत चेंज भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं, तो जो भी यहाँ रहेगी वो नेक्स्ट के लिए इनिशियल हो जाएगी, और फिर जो फाइनल आएगी, मान लीजिए आ गई आपकी जो है थोड़ा ज़्यादा आ गई, यहाँ से इसको हटा दीजिए, मान लीजिए 48.2 आ गई, तो यहाँ आपका रिड्यूस ओके हो जाएगा 16.2। तो जो भी टू रीडिंग रिपीट होंगी दो बार, उस रीडिंग को आपको कहाँ लेना है, यहाँ पर आपको उसको ले लेना है वॉल्यूम में, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम, ये तो तीसरी चौथी रीडिंग भी कुछ टीचर कराते हैं, तो मैं बता देता हूँ, एक्यूरेट वॉल्यूम आपका वही आएगा 16 ml, जो दो बार रिपीट होगी। अगर कभी कभार दो बार रिपीट नहीं हो रही है, तीनों बार अलग अलग आ रही है, तो आप एक एवरेज निकाल लीजिए, आपको अप्रॉक्स मिल जाएगा, और कोशिश करिएगा कि ये होल नंबर में हो। फ्रैक्शनल नंबर में लेंगे तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, ज़्यादा कुछ नहीं। अब हाँ, जो मैं बता रहा था, नेक्स्ट कुछ टीचर ऐसे भी बताते हैं कि ब्यूरेट को जीरो रखिए, फिर दूसरी बार ब्यूरेट को फिर से जीरो पर ले जाइए, तो उनकी हमेशा इनिशियल रीडिंग जीरो जीरो रहेगी। दो तरह से टीचर इसे कराते हैं, इसमें आपको ब्यूरेट बार बार फिल करना पड़ता है, इसमें ब्यूरेट आपको एक बार फिल करेंगे और लास्ट तक अपनी रीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ब्यूरेट में लगभग 50 ml तो आपका आता ही है, पूरे ब्यूरेट 50 ml के ही होते हैं, तो 50 ml आपका यहाँ कवर हो जाएगा, देखिए 48.2, क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं आएगी, रीडिंग एक्यूरेट आपकी आ जाएगी। तो ये था आपका टेबल ऑब्जर्वेशन जिसको आप फिल करेंगे। टेबल ऑब्जर्वेशन के बाद बात करते हैं हम अपने वही वॉल्यूम की, देखिए आया जो मैंने बोला था 20 ml आपको लेना है। अब आई कैलकुलेशन की बात, कैलकुलेशन में बच्चे बहुत दिक्कत करते हैं, ये फॉर्मूला आराम से नोट कर लीजिए, लर्न कीजिए छोटे, ठीक है। यहाँ क्या है, मोलरिटी ऑफ KMnO4, वॉल्यूम ऑफ KMnO4, मोलरिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, और हमें पता है कि दो मोल्स कितने को न्यूट्रलाइज कर रहे थे, 5 को, तो 2/5 लेंगे। पूछते भी हैं टीचर इसको बार बार, कई बार, कि भैया ज़रा ये बता दीजिए कि आपने ये क्यों लिखा है, 2/5 लिखने के पीछे आपका रीज़न क्या है। तो आपको यही बताना है कि सर KMnO4 के 2 mol ऑक्जेलिक एसिड के 5 mol को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, इसलिए लिया गया। तो ये फॉर्मूला याद करिए, इसमें आपको देखो KMnO4 आप यूज कर रहे हैं, ठीक, तो उसकी मोलरिटी आपको निकालनी है क्योंकि वो अननोन सॉल्यूशन है। वॉल्यूम आपका ब्यूरेट में आ चुका 16 ml, मोर सॉल्ट की मोलरिटी आपको पता ही है m/50 हमने ली थी, वॉल्यूम ऑक्जेलिक का 20 ml लिया था। ये सारा रख करके आप क्या करिए, फॉर्मूले में फिट कर दीजिए। जैसे ही आप फॉर्मूले में फिट करेंगे तो है ठीक, आपको ये मिल जाएगा, देखिए कि मोलरिटी ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू 2/1/50 20/5 × V की वैल्यू 16 पुट कर दीजिए। सर ये जो ऊपर लिखा है ये क्या है, तो बच्चों ये है कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन कि 2 mols जो मैंने आपको पीछे बताई है वही बात ये आपकी यहाँ पर लिखी हुई है। तो KMnO4 की मोलरिटी आपको यहाँ पता चल जाएगी, देखिए कैसे पता चलेगी, आपकी मोलरिटी आएगी आपकी 16 रखते ही m/100, तो एक आंसर आपका यहाँ पर आ चुका, ये आपको एक आंसर मिल गया कि मेरी मोलरिटी जो आई है वो m/100 आई है। जब आपकी मोलरिटी आ गई तो स्ट्रेंथ निकालना आपके लिए कोई बड़ी
बात नहीं है, स्ट्रेंथ में आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि मोलेटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4, कर दीजिए अप्लाई। जैसे ही आप भाई 100 और 158 उसका मोलर मास रखेंगे तो आपका स्ट्रेंथ भी आ जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 1.5 ग्राम पर लीटर। ये दो आंसर आपके हैं और मैं समझता हूँ ये दोनों ही क्लियर, एक आंसर आपका ये आता है और एक आंसर आपका ये आता है। ये आंसर कोई फिक्स नहीं है, हाँ M/50 के लिए फिक्स है, उसमें चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन इधर उधर हो सकता है, ज़्यादा नहीं। अगर आपके टीचर मोलेटी चेंज करते हैं, कुछ टीचर मोलेटी की जगह नॉर्मेलिटी देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपकी चेंज हो जाएगी। अगर आपको वो नहीं भी आती है तो आप मुझे कमेंट करके अपनी फिक्स मोलेटी की भी रीडिंग मुझसे पूछ सकते हैं कि सर कितना कितना अप्रोक्स बैठेगा, और उसके लिए आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।